बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 300 रन बनाए। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा क्रीज पर मौजूद रहे। भारतीय मिडिल ऑर्डर ने की बांग्लादेश के गेंदबाजों की धुनाई। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा के बीच 195 रन की नाबाद साझेदारी। अश्विन जडेजा के सामने बेबस दिखे बांग्लादेशी गेंदबाज। चेन्नई टेस्ट में आर अश्विन ने टेस्ट करियर का 6ठा शतक लगाया। बांग्लादेश के खिलाफ अश्विन की पहली टेस्ट सेंचुरी पहले दिन 102 रन बनाकर नाबाद हो गए। रविंद्र जडेजा के बल्ले में भी रन उगला। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन नाबाद 86 रन जोड़े। टेस्ट फॉर्मेट में जडेजा ने 5वां अर्धशतक लगाया। चेन्नई टेस्ट के पहले दिन फेल हुआ भारत का टॉप ऑर्डर। 34 रन के अंदर 3 बड़े विकेट गिरे। रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल सस्ते में पवेलियन लोग। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में लगाई 118 गेंदों में 56 रन बनाए। टेस्ट करियर का 5वां अर्धशतक। नाहिद राणा ने लिया यशस्वी का बड़ा विकेट। चेन्नई टेस्ट में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे रोहित शर्मा। सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे टीम इंडिया के कप्तान हसन महमूद की गेंद पर नजमुल हसन शांतो ने लपका कैच। विराट कोहली ने भी चेन्नई टेस्ट में किया निराश। 6 गेंद पर 6 रन बनाकर आउट। हसन महमूद की गेंद पर लिटन दास ने विकेट के पीछे पकड़ा विराट का कैच। दिलीप ट्रॉफी के बाद चेन्नई टेस्ट की पहली पारी में फेल हुए शुभमन गिल 8 गेंद खेलकर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। हसन महमूद ने झटका खेल को बिगाड़ा। भारत के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ऋषभ पंत और केएल राहुल का चेन्नई में फ्लॉप शो। शुरुआती के बाद 39 रन पर आउट हुए पंत। केएल राहुल ने सिर्फ 16 रन बनाए। बांग्लादेश के हसन महमूद ने भारत के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ी। एक के बाद एक 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। रोहित, विराट, शुभमन गिल और ऋषभ पंत को बनाया अपना शिकार। बांग्लादेशी गेंदबाज नाहिद हसन राणा और मेहदी हसन को एक एक विकेट मिला। यशस्वी जायसवाल नाहिद राणा के और केएल राहुल मेहदी हसन के शिकार बने। दिलीप ट्रॉफी में इंडिया डी के कप्तान श्रेयस अय्यर ने फिर किया निराश। राहुल चाहर की गेंद पर बिना खाता खोले लौटे अय्यर। देवदत्त पडिक्कल और शिखर भरत ने लगाई 50। इंडिया डी के लिए रिकी बुई बने संकट मोचन बल्लेबाज। इंडिया बी के खिलाफ 87 गेंद पर 56 रन की पारी खेली। राहुल चाहर ने नवदीप सैनी के हाथों कराया कैच आउट। इंडिया सी के खिलाफ फेल हुआ इंडिया ए का टॉप ऑर्डर। कप्तान मयंक अग्रवाल सिर्फ 6 रन पर आउट। तिलक वर्मा ने बनाए 5 रन। प्रियान पराग 2 रन पर पवेलियन लौटे। इंडिया ए की तरफ से उत्तराखंड के बल्लेबाज शाश्वत राउत ने लगाई सेंचुरी। समसमोलानी ने 76 गेंद पर खेली 44 रन की उपयोगी पारी। आईपीएल ऑक्शन को लेकर बड़ी अपडेट। नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में मेगा ऑक्शन का आयोजन होगा। इस बार भारत से बाहर हो सकता है मेगा ऑक्शन। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेगा ऑक्शन से पहले सभी टीमों को रिटेंशन खिलाड़ियों के बारे में बताना होगा। 15 नवंबर रिटेंशन की घोषणा की आखिरी तारीख होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ गोल टेस्ट में श्रीलंका की पहली पारी 305 रनों पर सिमटी। कामिंदो मेडिसन और कुसुम मेडिसन ने खेली बड़ी पारी है। न्यूजीलैंड ने तेज गेंदबाज विलियम ओरुके ने 5 विकेट झटके। न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज टॉम लाथम ने 111 गेंद पर 78 रन बनाए। पारी के दौरान 6 चौके लगाए। प्रभात जयसूर्या ने लिया टॉम लाथम का विकेट।